ईआरसीपी हुआ, वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी तब नितिन गडकरी जी से ईआरसीपी पर चर्चा हो गई और कहते हैं कि फाइनल ड्राफ्ट जो होता है वो भी तैयार हुआ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर उनकी जिद है राष्ट्र परियोजना नहीं बनाने की ईआरसीपी को, तो मेरी जिद है, मैं कैसे भी ईआरसीपी करके रहूंगा। लेकिन ईआरसीपी की चर्चा होती है तो आपका जिक्र आता ही है। आपने हाल ही में कहा कि राजेंद्र राठौड़ की सरकार आएगी तो मैं 46,000 करोड़ का पैसा दूंगा। ये ईआरसीपी क्या शगुफा है, क्योंकि ये चुनाव में मुद्दा रहेगा और आप इसमें केंद्र रहेंगे। 2016 में आदरणीय वसुंधरा जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की कल्पना की कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो समझौता है उस समझौते के आधार पर पानी लेकर और राजस्थान के हिस्से का पानी ऐसा मिलाकर राजस्थान को के इन 13 जिले जिनमें पीने का पानी भी एक संकट हो गया है, यहां पीने का पानी आए, इसको लेकर के हम ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना करेंगे। कोई भी दो राज्यों के बीच में अगर परियोजना बनेगी तो तय नियम है, उसके उन नियमों के अनुरूप काम होगा। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय के अधीन एक काम करता है, जो आज जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी उपक्रम है, जो इस तरह के डिजाइन डीपीआर बनाने में दुनिया भर में विख्यात है, 58 देशों में उनका काम है। बट वो एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सशुल्क यह काम दिया कि आप हमारे लिए इस योजना का निर्माण करें, इसकी डीपीआर बनाएं। उन्होंने डीपीआर बनाना प्रारंभ किया, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में चर्चा होकर के यह तय हुआ, अनुमान किया गया कि राजस्थान को लगभग 1750 एमसीएम पानी मिलेगा, जिससे राजस्थान के इन 13 जिलों की जो कुल पीने के पानी की को कि अनुमान किया गया कि आगामी 30-40 वर्ष तक कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, तो उस सबको क्वांटिफाई किया गया, लगभग 1400-1500 एमसीएम के बीच पानी की आवश्यकता पड़ेगी। शेष बचे हुए पानी से जो इन 13 जिलों के में से 9 जिलों में जो एग्जिस्टिंग कमांड एरिया है, जहां छोटे बांध बने हैं, छोटे तालाब बने हैं, जिनसे सिंचाई होती है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे पानी की आवक कम होने के कारण से वो सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती और उनका रकबा लगभग 2 लाख एकड़ से ज्यादा है, उसको हम रिप्लेनिश करके उनको पीने उनको जो है पानी भर सकेंगे, उससे जमीन में पानी रिचार्ज भी होगा और डायरेक्ट उनसे 2 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई को स्टेबलाइज किया जा सकेगा। क्योंकि दो राज्यों के बीच में ये योजना बन सकती है, देश की सरकार का जो नियम है और वो नियम हमने नहीं बनाया। 1960 के दशक में जब देश में बांध बनने शुरू हुए थे तब योजना आयोग ने यह तय किया था कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही राज्यों की योजना बनेंगी, इंटर स्टेट रिवर्स पर योजना बन सकती है और देश की 92% रिवर्स इंटर स्टेट है। इस 1960 के दशक से लेकर 2014 तक योजना आयोग ने इस पर 3 बार कुछ राज्यों के आग्रह पर समीक्षा भी की और तीनों बार व्यापक कंसल्टेशन के बाद में माना कि 75% यानी कोई भी 4 साल में से 3 साल तो कम से कम एवरेज इतना पानी आएगा, 1 साल कम हो सकता है लेकिन 3 तो आएगा, इतने स्तर पर ही योजना बननी चाहिए। इसको 3 बार डिस्कस करके भी वापस उसको माना कि यही देश के लिए उचित है। राज्य सरकार ने, क्योंकि वसुंधरा जी के मन में इस तरह का शायद सोच होगा कि हम मध्य प्रदेश के साथ में बात करके और मध्य प्रदेश से टाइप करेंगे, दोनों राज्यों के बीच सहमति होगी तो हम लोअर डिपेंडेबिलिटी पर 50% पर भी योजना बना सकेंगे, उन्होंने राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार ने वेबकॉस्ट जो संस्था डीपीआर बना रही थी उसको आग्रह किया कि आप इस डीपीआर को 50% पर बनाइए, हम मध्य प्रदेश से सहमति ले लेंगे। इसके लिए क्या सर कैबिनेट नोट चाहिए? कोई कैबिनेट नोट नहीं, तो स्टेट और एक एजेंसी है, इट्स एज गुड एज ए कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म। इनकेस उन्होंने 50 में इसको राष्ट्र पर, मैं आपको पूरा खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि प्रिंसिपल जो जिसके लिए नक्शा बनाना है, आज अदिति जी के लिए अगर मकान का नक्शा बनाना हो, अदिति कहेंगी कि मुझे 4 कमरे बना दीजिए, जो आर्किटेक्ट है वो 4 कमरे बनाएगा, अदिति जी को बीच में लगता है कि नहीं मुझे 4 से कैसे काम नहीं चलेगा, परिवार के दूसरे लोग भी आते हैं, मेहमान भी घर में आते हैं, मुझे 6 चाहिए तो वो 6 पे बना दे। वेबकॉस ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर राज्य सरकार के आग्रह पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके राज्य को सबमिट कर दिया। नवंबर 2016 को
वेपकॉस को काम दिया गया था, नवंबर 2017 में कंप्लीट करके वापस दिया। और 2018 के शुरुआत में, जनवरी या फरवरी में, भारत सरकार, फरवरी में भारत सरकार को, राज्य की सरकार ने सीडब्ल्यूसी को उसके ऊपर क्लियरेंस करने के लिए भेजा। कोई भी दो राज्यों के बीच में या दो राज्यों के बीच में बहने वाली नदी के ऊपर अगर कोई परियोजना बनेगी तो उसको टेक्निकल क्लियरेंस लेना होगा, जो सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, देता है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने प्राथमिक रूप से उसको देख करके ये ऑब्जर्वेशन लिख करके भेजा कि ये क्योंकि 50% पर बनी है, या तो आप मध्य प्रदेश से एनओसी लेकर के आइए, तब आकर के हम इसको इवेल्युएट करेंगे और इवेल्युएट करके तकनीकी रूप से इसको स्वीकृत करेंगे, अन्यथा आप इसको 75% पर बना के लाइए, जो आपका और मध्य प्रदेश का समझौता है उसके अनुरूप। राजस्थान सरकार को वापस भेजा गया, आज तक राजस्थान सरकार ने उसको रिवर्ट नहीं किया। इस बीच में राजस्थान में सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। कल आपके साथ में जो इंटरव्यू मैं देख रहा था, दो कुछ दिन पहले का, उसमें भी उन्होंने कहा, और उन्होंने तो यहां तक दोष कहा कि मध्य प्रदेश तो आप ही की सरकार है, कर लीजिए बात, क्यों नहीं कर रहे। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, जब सरकार बनी थी 2018 में, तब मध्य प्रदेश में भी, मैं याद दिलाना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, कि तब उनकी सरकार थी वहां, उन्होंने कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, जनवरी 2019 में सरकार बनने के एक मात्र महीने बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने तुरंत ईआरसीपी पर आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि राजस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए 50% डिपेंडेबिलिटी पर इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, मध्य प्रदेश एनओसी इश्यू करे। एक महीने बाद फरवरी में मैं चिट्ठी आपको दे दूंगा, कमलनाथ जी ने, जो उनकी ही सरकार थी, वो मुझे कह रहे हैं उनकी ही सरकार थी, चिट्ठी लिख करके ये कहा कि इस परियोजना को 50% पर सहमति नहीं दी जा सकती, कृपया इसको 75% पर बनाए, तब हम आपको इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये उनकी सरकार थी। और उसके बाद कमलनाथ जी ने, यहीं तक नहीं, भारत सरकार को भी लिख करके भेजा कि मध्य प्रदेश के हितों के प्रतिकूल होने के चलते इस पर आप राजस्थान द्वारा भेजे गई इस परियोजना पर विचार भी न करें, और तब से लेकर के इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। मैं आज एक बात आपसे, आपके माध्यम से, और राजस्थान की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूं। वो बार बार ये कहते हैं कि 16 परियोजनाएं जो हैं वो देश में राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, उसमें राजस्थान की भी एक भी नहीं है, वो क्यों नहीं हो सकती। मैं उनको सिर्फ संज्ञान में देना चाहता हूं, वो आपके इंटरव्यू में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक बार मोदी जी ने कर दी, मोदी जी की सरकार बनने के बाद एक भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित हुई, जितनी है वो सब यूपीए के समय थी, और उनमें से अधिकांश जो है धरातल पर उसका किसी भी तरह का क्लियरेंस कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी सिर्फ राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से एक शगुफा छोड़कर के उसको राष्ट्रीय परियोजना बना दिया गया। उनमें से जो है 80% अधूरी पड़ी थी, जिनको हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की और ऐसी हॉल्टेड, ऐसी रुकी हुई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने का उपक्रम प्रारंभ किया, 107 ऐसी जो है हमने आइडेंटिफाई की थी, उसमें से 80 हम लगभग पूरी कर चुके हैं या होने वाली, और उसमें जो जो उसमें जो उसके लिए जो आवश्यकता थी राजस्थान की या किसी देश की, कोई भी स्टेट अगर किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना चाहता है, उसकी पहला उपबंध था कि उसमें 2,00,000 हेक्टेयर नया जमीन जो है वो सिंचाई के अधीन आनी चाहिए, नया इरिगेशन कमांड जनरेट होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के हिस्से में जितना पानी आ रहा था जो 75% पे नियमों के हिसाब से, उससे वो 2,00,000 हेक्टेयर नहीं बनता था, इसलिए भी उस समय भी नहीं हो सकता था। और उसके बाद राजस्थान ने आज तक उसको लेकर के कदम आगे नहीं बढ़ाए। अब यदि राजस्थान सरकार इसे 75% पर बना ले, स्वीकृति प्रदान करती, तो भारत सरकार सहर्ष इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लेने को तैयार थी, उसमें भी 60% ग्रांट मिलती, और नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर होने पर भी 60% ग्रांट मिलती। 40,000 करोड़ की परियोजना पे 24,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को भारत सरकार ग्रांट के रूप में देती, बाकी बचा हुआ 40% यानी 16,000 करोड़ राजस्थान सरकार को खर्च करना था, और उससे राजस्थान को जो पानी मिलना था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आज आपके सामने, राजस्थान को जो पानी मिलता वो 1750 मिलियन क्यूबिक मीटर मिलता,
राजेंद्र शास्त्रान सरकार ने नहीं माना। मैंने 9 बार भारत सरकार में बैठा करके दोनों राज्यों के बीच सहमति बन सके इसको लेकर के मीटिंग की, एक बार भी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक बार भी राजस्थान सरकार का मंत्री उस मीटिंग में नहीं आया। पहले मुख्यमंत्री जी के पास खुद चार्ज था और उसके बाद में जिनके पास था, एक बार भी नहीं आए। मैंने प्रधानमंत्री जी से जाके निवेदन किया कि इस तरह से जो है लॉक जैम फंसा है, राजस्थान का विषय है, गहलोत साहब रोज राजनीति कर रहे हैं, मुझे भी गाली देते हैं, आपके लिए पता नहीं किस तरह के शब्द बोलते हैं, गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें करते हैं, 25 सांसदों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा रुको नहीं, आगे बढ़ो, तुम जयपुर जाकर के उनकी कन्वीनियंस ले लो, उनसे तय करके मीटिंग करो, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से तारीख निश्चित करके उनकी जो है सहूलियत के आधार पर तारीख निश्चित हुई 18 अप्रैल 2022। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों रहेंगे, हम पूरा भारत सरकार का लवाजमा लेकर के वहां पहुंचे, सचिव, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, एनडब्ल्यूडीए चेयरमैन, हमारे सारे अधिकारी सब वहां पहुंचे 17 तारीख शाम को, 18 सुबह 9 बजे मीटिंग थी, 17 शाम को रात को 9 बजे सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज की चिट्ठी आती है, मुख्यमंत्री कार्यालय चिट्ठी नहीं भेजता, और वो भी ईमेल से मेरे ऑफिस को जाती है कि मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों उपस्थित नहीं रहेंगे। हमने आग्रह किया आप चीफ सेक्रेटरी को भेज दीजिएगा, वो भी नहीं माने। अधिकारियों के साथ में जो पहले 9 मीटिंग कर चुके थे वही अधिकारियों के साथ में हमने दोबारा मीटिंग की, और उस मीटिंग का परिणाम यह हुआ, उन्होंने कहा अधिकारियों ने, हम पूर्ण रूप से सहमत हैं लेकिन पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है। और वहीं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने रुके नहीं, मैं गंभीरता के साथ में कह रहा हूं, उन्होंने जो संवैधानिक शपथ लेकर के हम कुर्सी पर बैठते हैं उस शपथ के आगे बढ़ करके उसको डायल्यूट करते हुए इन 10 जिले जो प्रमुख थे या प्रभावित हैं और कुल 13 जिलों की जनता के साथ में पाप किया है, और मैं इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूं पाप किया, उन्होंने ये जो जिद उनकी है कि हम खुद बनाएंगे ये घोषणा कर दी बिना सक्षम टेक्निकल क्लियरेंस के। आप इंटरस्टेट रिवर पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने टेक्निकल क्लियरेंस नहीं लिया, हालांकि उन्होंने ये कहा है, उसकी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेबकॉस ने बनाई है, उन्होंने ईआरसीपी के नाम पे एक नई परियोजना खड़ी की, नवनेरा गालवा ईसरदा बीसलपुर लिंक, वो लिंक बनाएंगे जो ईआरसीपी का कपल ऑफ कंपोनेंट्स में से एक है, हमने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दी, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूं कि 521 एमसीएम राजस्थान को पानी मिलेगा, और लागत आज अनुमान हुई है 15-16 हजार करोड़ आएगी, जब तक पूरा होगा 20 हजार करोड़ पहुंचेगी। अब 15-16 हजार करोड़ खर्च करके आप 521 एमसीएम पानी ला रहे हैं, जो किसे मिलेगा, जयपुर के लिए 390 एमसीएम पीने का पानी, अजमेर के लिए 110 एमसीएम पीने का पानी, टोंक के लिए 45 एमसीएम पीने का पानी, कुल मिलाकर के इन 3 जिलों के लिए, इन 3 शहरों के लिए पीने का पानी, एक बूंद भी सिंचाई का पानी नहीं, और बाकी 10 जिले जिनके नाम पर यह राजनीति हो रही है उनके लिए एक बूंद भी पीने का पानी नहीं, उन सब 10 जिलों के लोगों को, जो लगभग लगभग 3 करोड़ लोग हैं, उनको अपने हालात पर मरने के लिए छोड़ दिया, और आपने सिर्फ जिद में कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, न टेक्निकल क्लियरेंस है न इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, एनवायरमेंट इंपैक्ट क्लियरेंस भी नहीं है। एक मकान अगर अदिति जी अपनी कॉलोनी में बनाना शुरू करें बिना क्लियरेंस के, बिना नक्शा पास कराए बनाना शुरू करें, आप रोक देंगे? एक खान छोटी सी कोई खोदना शुरू करे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं ले उसको आप रोक देंगे? और जो अगरचे एक बड़ी परियोजना सरकार बना रही, अवैध रूप से बना रही है, और मध्य प्रदेश उसके सामने खड़ा है, 1 मिनट का समय और चाहिए मुझे, मध्य प्रदेश उसको लेकर के, क्योंकि ये परियोजना इलीगली बन रही है, इंटरस्टेट रिवर पर बन रही है, इसलिए मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट पे गया, उसका लांछन मुझे लगा था, और इससे आगे बढ़ करके मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास में गया, मैंने कहा तो उन्होंने कहा नया विकल्प ढूंढो गजेंद्र, कभी अवरोधों से घबराओ मत, आगे बढ़ो, इससे आगे सोचो, कुछ रास्ता निकलेगा। मैंने देश भर के एक्सपर्ट्स को बिठाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, IIT रुड़की, जो है मध्य प्रदेश राजस्थान के रिटायर्ड अधिकारी, सबको बिठा करके हमने नदी जोड़ने का एक और प्रकल्प जो है वो खड़ा किया, वो डिजाइन किया, उसकी PFR बनाई, और उस PFR के हिसाब से राजस्थान को 2500 एमसीएम पानी मिलता है, मध्य प्रदेश को 1300 एमसीएम मिलता है, उसकी अनुमानित लागत लगभग लगभग 40 हजार करोड़ आती है। दोनों राज्यों के अधिकारियों को बिठाया, दोनों ने सैद्धांतिक रूप से माना कि ये दोनों राज्यों के हित में है। अब 2500 एमसीएम पानी आएगा उससे क्या होगा, 13 राज्यों को 40 साल पीने की गारंटी, वो 2 लाख एकड़ जो छोटे छोटे टैंक्स को और पुराने बांधों को भरना था उसकी गारंटी, और 5 लाख एकड़ नई जमीन सिंचाई के रकबे में आएगी उसकी गारंटी, ये राजस्थान के लाभ,
मध्य प्रदेश के 6 जिलों को लाभ होंगे 1000 एमसीएम पानी से, उनकी 1 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचाई पे आएगी, 2.5 लाख एकड़ वो मध्य प्रदेश के लाभ, 40,000 करोड़ लागत क्योंकि नदी जोड़ने की परियोजनाएं। और मध्य प्रदेश की केन बेतवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके 90% पैसा भारत सरकार ने ग्रांट के रूप में दिया है, इसमें भी मिलेगा। तो 40,000 में से 36,000 करोड़ भारत सरकार देगी, 4,000 करोड़ में दोनों राज्यों के बीच बटेगा, 2400 करोड़ राजस्थान के हिस्से में आएगा, 1600 करोड़ मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगा, और उस 2400 करोड़ में से जो है कई 100 करोड़ राजस्थान सरकार खर्च कर चुकी है, 700 करोड़ खर्च करके, और 2500 एमसीएम पानी राजस्थान को मिले, इसको लेकर के सहमति एमओयू कराने के लिए हमने राजस्थान के मंत्री को मीटिंग में आमंत्रित करके मीटिंग बुलाई, वो नहीं आए। 700 करोड़ खर्च करके 2500 एमसीएम पानी मिलता है, 13 जिलों की तकदीर बदलती है, किसानों के खेत खुशहाल होते हैं, पीने का पानी मिलता है जो संकट का हमेशा के लिए समाधान होता है, 700 करोड़ खर्च करके और 2500 एमसीएम पानी नहीं लेंगे, और 15,000 करोड़ खर्च करके और आप 500 एमसीएम पानी लाना चाहते हैं, ये पाप है कि नहीं? आपने इतनी डिटेल में इसकी एक्चुअल जो स्थिति है, कहां कहां से क्या क्या प्रोजेक्ट, क्योंकि टेक्निकल और वो जो टेक्निकल और क्लियरेंस ग्राउंड, लेकिन सर आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक होता है तो विकास से ज्यादा परसेप्शन की राजनीति होती है, परसेप्शन पे होती है, जातिवाद पे होती है, परसेप्शन ये बन गया है, ये आप भी जानते हैं। और मैंने खास तौर पे, मेरा एक एपिसोड चलता है राजनीति, उसमें मैं इन 13 जिलों में गई, तब मैंने देखा कि वहां पर ईआरसीपी को लेकर नाराजगी है। अब वो जनता है, वो कभी विधायक को लेकर नाराज है कि पानी नहीं आया, या वो ये नाराज है कि गजेंद्र सिंह जी ने पानी नहीं भेजा या भाजपा ने पानी भेजा, परसेप्शन में सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। टेक्निकल ग्राउंड आपने मुझे समझा दिया। देखिए, निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि परसेप्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके सिपहसालारों ने एक बनाने की खड़ा कोशिश की, एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा, मैं अभी पिछले सप्ताह में 6 दिन वहां जाके आया, बिल्कुल अब की बार दौरा करिए, जो ये राजनीतिक खंजर उन्होंने हमारी पीठ में भोंकने के लिए तैयार किया था, अब वो खुद उनके ही पेट में घुसने के लिए तैयार खड़ा है। अब जाकर के वहां उनके मंत्री कहें, जनता चीख चीख करके पूछेगी कि सवाई माधोपुर को कितना बूंद पानी मिलेगा, दौसा को कितना बूंद पानी मिलेगा, अलवर को कितना बूंद पानी मिलेगा, बूंद कह रहा हूं, क्यूबिक मीटर्स बात नहीं कर रहा हूं, दौसा को कितना बूंद पानी मिलेगा, गंगापुर को कितना बूंद पानी मिलेगा, भरतपुर को कितना बूंद पानी मिलेगा। टेक्निकली समझ गए हैं आप, ये कह रहे हैं कि 50% से 75 कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं और सरकार, मैं तो 50-75 के बीच में भी नहीं हूं, मैं तो कहता हूं कि हमने नदी जोड़ने की परियोजना में इसको सम्मिलित कर दिया है, उसको हमने कमेटी से अप्रूव कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई अपेक्स कमेटी से, जो प्रायोरिटी लिंक है, जैसा मैंने कहा था कि 5 प्रायोरिटी के टॉप प्रायोरिटी, उसमें केन बेतवा जिस पे काम शुरू हो गया उसके बाद पहला प्रायोरिटी का लिंक बना दिया कि ये सबसे पहले देश में इस पे काम करेंगे, सहमति बनाए, आज गहलोत साहब उसके ऊपर राजस्थान की तरफ स्वीकृति करें कि एमओयू करेंगे, और राजस्थान और मध्य प्रदेश तैयार है, दोनों के बीच में एमओयू करें, हम इसको जो है नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में घोषित करेंगे, जहां भारत सरकार सहायता करेगी और 10% पैसा देकर के राज्य सरकारों के, दोनों राज्यों के जो है जनता का भला होने वाला है। तो सर आप बड़ी जिम्मेदारी से, आपने काफी सारी बातें करी, क्या उतनी ही जिम्मेदारी से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो ये पानी का मसला, खासतौर पर 3 जिलों का, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे जो आपने ये दूसरा मेथड बताया, आप करके देंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, और साथ में इसके आगे मुझे पूरी बात करने दीजिए, उससे आगे कि राजस्थान सरकार की जो पहली कैबिनेट होगी उसमें राजस्थान की तरफ से स्वीकृति दी जाएगी ईआरसीपी को, ईआरसीपी नहीं, नदी जोड़ने की परियोजना को, अब वो ईआरसीपी पीकेसी सब मिलकर के एक नया परियोजना जो है वो बन चुकी